एक रिपोर्ट भेजा कि अखबार हिंदू में, हिंदू के इसने किसी कॉलम निगार ने, कॉरेस्पॉन्डेंट ने कुछ लिखा है और उसको एंडोर्स किया है हमारे। 3 दिनों से मुसलसल, जब से ये इलेक्शन रिजल्ट्स निकले हैं, मुतजाद बयान आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब के, मुतजाद बयान, और बाद में वो वापस भी ले रहे हैं। उनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, आपने इलेक्शन श्रीनगर में भी नहीं जीता, श्रीनगर में इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं जीता, श्रीनगर में इलेक्शन जीता आगा रूहुल्लाह ने उसकी शराफत ने। आप यहां भी हारते, आप यहां भी शुक्र पढ़ो इंजीनियर रशीद का बंदा यहां नहीं था, या इंजीनियर रशीद खुद नहीं था, बहुत बुरी तरह से अल्लाह का कर्म है, अच्छी बात है आगा रूहुल्लाह साहब आ गए, हमें उससे गरज नहीं है। वहां पर आपने पहले 2 पार्टियों की आपस में लड़ाई थी, हम कहीं थे नहीं, हमारी तारीफें हो रही थी, दोनों तरफ हमारी तारीफें हो रही थी, मगर जो ही हमने जो हमने कहा था कि हम थंपिंग मजार से जीतेंगे, तो उमर साहब को मिर्चें लगी। उमर साहब ने परसों एक ट्वीट किया, उसको बाद में उसको कहा गया कि आपने गलत किया, उसने वापस लिया, खुद अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कहा, उसने वापस लिया। कल भी उसने इसको, इस स्टेटमेंट को, उसने क्या लिखा, कालम निगार, ये जमहूरी मुल्क है, हर एक को आज़ादी है लिखने का जो, मगर उमर अब्दुल्ला ने एकदम उसको एंडोर्स किया, एंडोर्स, और इसकी हम भरपूर मजम्मत और उनसे, और उनको बता देना चाहते हैं कि वो 1987 का वाक़ा याद करें। आज इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं उठते हैं, रशीद इंजीनियर 11 साल से मेंबर असेंबली रह चुका है, रशीद इंजीनियर ने कोई जुर्म नहीं किया है। आज फोर्स यहां पर अगर उठी, 1987 की ये गलती है जिसको हम 35 साल से भुगत रहे हैं, 1987 से यहां तक, ये एनसी की देन है कश्मीर। अब उमर अब्दुल्ला साहब एक काम आप कीजिए, मुझे मालूम है आप क्यों कर रहे हो, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, हमें मालूम है आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे असेंबली के इलेक्शन आने वाले, हमने 14 असेंबली हलकों में, 15 असेंबली हलकों में बढ़त हासिल की है। आज अगर असेंबली इलेक्शन हुए होते, हमारे 15 मेंबर्स असेंबली आए होते, तो आप आगे आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनकी फिक्र कीजिए। आप अब कभी कभी भी नहीं, ये कश्मीरी आवाम ने फैसला कर लिया है, आप कितने भी इल्जामात, गलत इल्जामात, झूठे इल्जामात, उससे हमारी ताकत बढ़ती है, हमें ताकत, हमें हमारा आप ये करो, हमें हमारे खिलाफ आप बोलो, हम उससे ज्यादा ये बढ़ते, तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ये कहा, ये सिर्फ ये लोग नहीं है, ये अल्लाह का कोई करिश्मा है, ये करिश्मा है, सिर्फ करिश्मा, ये मैं झूठ, ये सियासत में नहीं कह रहा हूं। अब इसी को देखकर, अब जिन्होंने हारा, जिन्होंने इलेक्शन हारा, वो अगर फराग दिली का सबूत देते, वो अगर उन्होंने आज तक वो इंतजार करते रहे लास्ट दम तक, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, दे आर हैबिचुअल क्रिमिनल्स, उन्होंने लास्ट दम तक इंतजार किया, हमें फ्रस्ट्रेट करने की बहुत कोशिश की गई कि शायद चोरी, पहले ये कहते थे कि इनका फार्म स्टैंड नहीं रहेगा, फिर ये कहते रहे कि इनका फार्म रिटर्निंग अफसर ये नहीं करेगा, तस्लीम नहीं करेगा, फिर ये कहते रहे कि हालांकि हमारे सिंबल तक को उन्होंने, और अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है, हमें बहुत अच्छा सिंबल बैद में चीरित रहे, तथ क्या बना उर्दू पे कुर्रा अंदाजी करके वो हमें मिला। और आपका एक जर्नलिस्ट, बड़े अफसोस की बात है, इतना प्यारा जर्नलिस्ट वो मेरा है, दोस्त है, मैं परसों उसको देख रहा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए थे, मगर मैं नींद नहीं कर रहा हूं, इतनी दाढ़ी उसकी है, हाजी है, और उसने इतना बड़ा झूठ बोला, मैं क्योंकि मैं खुद दिन भर वहां था, मैं रिटर्निंग अफसर के कमरे में दिन भर था, हमें, हम दिल से चाहते थे कि हमें
गैस सिलेंडर मिले, क्योंकि हमने गैस सिलेंडर पर दो इलेक्शन ऑलरेडी लड़े थे, हमारे लीडर को कामयाबी उस पर मिली थी, हम यही चाहते थे, मगर वहाँ कुर्रा अंदाजी में हमको निकला तो प्रेशर कुकर।